हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आशीष सदा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टेक्निकल ज्ञान में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सब टाइटल को कैसे बना सकते हैं, कैसे आप SRT फाइल को बनाकर आप वीडियो में सब टाइटल ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो ओपन करके दिखा देता हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सब टाइटल होते क्या है। जब तक जीना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वीडियो यहाँ पर ओपन हो गई है। इस तरह से आप सब टाइटल कैसे बना सकते हो, तो वो मैं आज आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है, गूगल क्रोम में जाना है, ओपन करना है और आपको टाइप करना है सबटाइटल एडिट। सबटाइटल एडिट करने के बाद यहाँ पर जो github.com का जो लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके सॉफ्टवेयर देख सकते हैं जिसमें आपको जो सेट करना है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आपको ये विंडोज़ इंस्टॉलर वर्जन करना होगा, फिर पोर्टेबल आप चाहे जो भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने ये विंडोज़ 3.5.15 ये कर रखा है, तो आप ये वाला कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है, इजी मेथड होता है। आप इसको डायरेक्ट जिप को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करता हूँ और अब आपको बताता हूँ कि इसमें आप सबटाइटल कैसे एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली फाइल मैंने आपको दिखाई, तो मैं डिलीट करता हूँ। ये मैंने डिलीट करी और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरे पास विदाउट सबटाइटल की फाइल है। आप देख सकते हो, मैं इसको ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो इसमें कहीं भी सबटाइटल नहीं आ रही। तो अब इसमें सबटाइटल कैसे ऐड करेंगे, इसकी SRT फाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ओपन करना है सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आप यहाँ पर फाइल से भी जा सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ से वीडियो में जाऊँगा, ओपन वीडियो फाइल करेंगे। उसके बाद ये वाली वीडियो फाइल है, मैं इसको यहाँ पर लेके ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पर ये थोड़ी देर टाइम लेता है, उसके बाद ये वीडियो फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके वेब फॉर्म नहीं दिख रही होगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो इस तरह की वेब फॉर्म क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने ये वर्ड फाइल ओपन कर रखी है, तो ये अपने सब टाइटल है इसके, तो मैं इसको यहाँ से पहले कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करके आपको पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर आपको ये जो लाइन दिख रही है, इसमें आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये आपको बॉक्स दिखा देगा, यानी कि ये जहाँ से भी सबटाइटल आपके ऐड करने होंगे उस टाइप के ये बॉक्स दिखा देगा। अब आपको जो आपके टेक्स्ट होंगे वहाँ पर उसको टाइप करना है और मैं इसको यहाँ से प्ले करूँगा। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, ठीक है। ये यहाँ तक आ रहा है, तो आप इसको और आगे खींचते जाए, एक्सटेंड करके आप कर सकते हैं। और पढ़ाना है, तो इस तरह से आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे और आप बीच बीच में सुन भी सकते हैं। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक है, तो मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दूंगा और यहाँ पर इसको बस, तो ये यहाँ तक हो गया। अब सेकेंड में इसको वापस से क्लिक करेंगे, इस पर राइट क्लिक और यहाँ पर करेंगे इंसर्ट आफ्टर। इंसर्ट आफ्टर पे अपन क्लिक करेंगे, उसके बाद सेम वही सेकेंड लाइन अपन लेंगे। यहाँ से मैं सेकेंड लाइन को ले लेता हूँ, इसको करूँगा कॉपी, सेम टू सेम ऐसे ही अपन पेस्ट करेंगे, इसको आगे लेंगे और यहाँ से सुनना स्टार्ट करेंगे। प्रश्न है, तो यहाँ से अपना स्टार्ट हो गया, प्रश्न है, यहाँ से अपन ने क्लिक कर दिया सर्विस की सफलता, और यहाँ से आप इसको लॉन्ग करते रहना। सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए, ये अपना चाहिए, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक अपन ने ऐड कर दिया। अपन वापस से यहाँ पर जाएंगे और इंसर्ट आफ्टर, अगर आपको बिफोर करना हो, अगर आपके कोई कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो आप इंसर्ट बिफोर भी कर सकते हो, पर यहाँ पर अपन आफ्टर ही करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद अपन को वापस इस फाइल में जाता हूँ, मैं यहाँ से कुछ और पॉइंट कॉपी कर देता, जैसे मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से Ctrl+C और ये Ctrl+V करूँगा, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पर अपन इसको, उत्तर है सहनशीलता का, यहाँ से अपना स्टार्ट हो रहा था। आप यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, मैंने इसको वापस से सेव किया। उत्तर है सहनशीलता। अब इसको अपन आगे एक्सटेंड करते जाएंगे जहाँ तक ये होगा। तो इस तरह से आप सबटाइटल एडिट कर सकते हो। मैं आपको ये पूरा करके इसको एक्सपोर्ट करके और वीडियो में चला कर भी बता दूंगा एंड में। आपस में संगठन बनाकर यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर आप इसको पकड़ते जाइए और आगे बढ़ाते जाइए। ये
इस तरह से आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और सबटाइटल ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ से ये यहाँ तक होगा, अपन चेक कर लेते हैं। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ, ये यहाँ तक गया, अपन इसको यहाँ पर कर देंगे और वापस से इंसर्ट आफ्टर करेंगे। इंसर्ट आफ्टर करने के बाद ये अपने लास्ट लाइन है, मैं इस लास्ट लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और ये अपन इसको फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको वापस से पेस्ट किया और इसको यहाँ से मिला दिया। यहाँ से मिलाने के बाद अपन इसको आगे करते हैं, मनुष्य को इसको एक्सटेंड कर देंगे। इस तरह से अपन एक्सटेंड करते जाएंगे और सबटाइटल जगाने के लिए एडिट करते जाएंगे। तो ये जहाँ तक भी जा रहा है मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ लास्ट तक। एक प्रबंध निकलेंगे जो तकदीरवान, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, बनने वाले हैं वे पढ़ाई में रुचि। ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसके आगे अपने पास सबटाइटल नहीं है तो मैं इसको यहीं पर एंड कर दूंगा। अब आपको जाना है यहाँ पर फाइल में, यहाँ पर जाना है सेव एज में। आपको फाइल जो होती है वो उसी नेम से सेव करनी है जिस नेम से आपकी वो वीडियो फाइल हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सबटाइटल में मैंने रख रखी है, नेम सेम आ रहा है, तो मैं इसको सैम्पल वीडियो फॉर सबटाइटल इसको, और ये सब रिप रखना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, यहाँ पर आपको सब रिप डॉट एस आर टी रखना है, यहाँ पर UTF-8 यही रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैं वापस से सेव एज करता हूँ और सेम टू सेम, और जैसे कि ये मैं डेस्कटॉप पर उसी फोल्डर में सेव कर देता हूँ। यहाँ पर इस फोल्डर में आ गए और यहाँ पर मैं सेव कर दूँगा। ये फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ और आपको चला के बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए ये फोल्डर, ये इसकी सबटाइटल फाइल हो गई। मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ, आप नोट पैड देख भी सकते हैं किस तरह से दिख रही है, इस तरह से ये फाइल आ जाती है। उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ, इस वीडियो को चला के बताता हूँ। जब तक जीना यहाँ पर देखिए आप, ये वीडियो इस तरह से चालू हो गई है और इसमें ये सबटाइटल साथ साथ में आ रहा है। संगठन बनाकर सर्विस करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप यहाँ पर ग्रे कलर का पीछे बाहर देख रहे हैं इसको कैसे एडिट कर सकते हैं, सबटाइटल की साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, इन सबटाइटल की पोजीशन कैसे चेंज करते हैं, यहाँ ऊपर कैसे ले सकते हैं, इनको नीचे कैसे ले सकते हैं, राइट लेफ्ट आप जहाँ भी इनकी पोजीशन सेट करना चाहे कैसे कर सकते हैं, इनका आप फॉन्ट कलर चेंज करना चाहे तो भी कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपके ये हिंदी फॉन्ट है तो इसमें मंगल होगा, एक मुक्ता होगा, इस तरह से बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, आप इसमें से जो भी यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वो फ्री टूल की मदद से ही होगा, इस VLC की मदद से ही होगा, और कैसे कर सकते वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।